दोस्तों, जहां एक तरफ भारत और ब्रिटेन भविष्य में होने वाले आर्थिक संकट को लेकर चिंतित है, वहीं पर दोनों देशों के बीच में होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक उम्मीद बनकर सामने आई। लेकिन ब्रिटेन की तरफ से कुछ अजीबोगरीब बयान दिए गए और ऐसी बातें कही गई जिसकी वजह से भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत लगभग ठप हो गई थी। हालांकि अब भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, अब ये बात सामने आ रही है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। और भले ही अगर कुछ कारणों की वजह से दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अक्टूबर के अंत तक साइन न कर पाए, लेकिन नवंबर तक इसके साइन होने की संभावना बन रही है। दोनों देशों के अधिकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं और इस बात पर सहमति बन चुकी है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल तभी साइन किया जाएगा जब दोनों देशों के इंटरेस्ट को फायदा हो। हालांकि पहले ब्रिटेन की तरफ से ऐसे कई बयान दिए गए थे जिसमें भारत और भारतीय लोगों से संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणियां थी, लेकिन अब ब्रिटेन की तरफ से ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा, खास करके भारत की तरफ से उठाई गई आपत्तियों के बाद। ब्रिटेन भी अब संभल चुका है क्योंकि जिस तरह से ब्रिटेन के अंदर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, वहीं ऐसे हालात में ब्रिटेन के लिए भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेहद ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाला है। हाल ही में हुई वैश्विक घटनाओं की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा है और साल 2023 में एक वैश्विक मंदी आने की संभावना भी अपने चरम पर होगी। ऐसे हालात में जब ब्रिटेन न तो रूस से सस्ता तेल और नेचुरल गैस खरीद पाएगा और न ही अपने लोगों को एक स्थिर अर्थव्यवस्था प्रदान कर पाएगा, तब ब्रिटेन के अंदर परेशानियां और अराजकता काफी तेजी से बढ़ेगी। वहीं पर ऐसे हालात में भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को संभालने में एक काफी अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि जब दो देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो उससे दोनों देश का व्यापार काफी तेजी से बढ़ता है। साथ ही टैक्स में कटौती होने की वजह से आम नागरिक और खरीदारों तक सामान पहले के मुकाबले सस्ती कीमतों पर पहुंचता है, जिससे व्यापार में फायदा होता है। दोस्तों, हो सकता है कि नवंबर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन का एक दौरा करें और इसी दौरे के समय भारतीय प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक साथ मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर अपने हस्ताक्षर करें, जिसमें दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा होगा। हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत अक्टूबर के अंत तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब डेडलाइन काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। मगर फिर भी नवंबर के अंत तक दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को पूरा करके FTA पर हस्ताक्षर कर लेते हैं तो साल 2023 शुरू होने के पहले ही दोनों देशों के बीच का व्यापार काफी तेजी से बढ़ने लगेगा और जब पूरे विश्व में मंदी के हालात होंगे तब भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था एक दूसरे को समर्थन करते हुए स्थिरता लाने की उम्मीद कर सकती है। हालांकि भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंध जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर कोई ठोस बात नहीं कही जा सकती कि आखिर कब दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि अभी भी दोनों देशों के अधिकारी से लेकर सकारात्मक और सक्रियता से काम कर रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि बहुत जल्दी भारत और ब्रिटेन आपसी सहमति से FTA के ऊपर कोई बड़ा फैसला करे। बहरहाल, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका भले ही एक दूसरे के साथ कुछ मुद्दों के ऊपर सहमत नहीं हो पाते, लेकिन दोनों देश क्लाइमेट चेंज और साफ ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काफी तेजी से और काफी सराहनीय काम कर रहे हैं, जिसके तहत अब दोनों देशों ने एक साथ मिलकर एक काफी बड़ा कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों, भारत और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के क्षेत्र में एक नहीं बल्कि चार बड़े MOU साइन कर लिए हैं, जिसमें दोनों देशों की साझेदारी क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में काफी तेजी से बढ़ने वाली है, जिससे न कि केवल भारत और अमेरिका को फायदा होगा बल्कि पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद मिलेगी। ये सभी बड़े एग्रीमेंट भारत और अमेरिका की प्राइवेट कंपनियों के बीच में साइन हुए हैं, लेकिन इसके लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच में भी काफी सक्रियता से बातचीत की जा रही है, जिसका नतीजा अब ये निकलकर सामने आया है कि दोनों देशों की प्राइवेट कंपनियां क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में काफी तेजी से अपनी साझेदारी बढ़ा रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो केवल भारत और अमेरिका ही क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है और तेजी से काम भी कर रहा है। भारत अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को बढ़ा रहा है, साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी काफी तेजी से काम कर रहा है ताकि हम अपनी निर्भरता कोयले और कच्चे तेल के ऊपर से कम कर सके। ऐसा करने से न कि केवल हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा बल्कि एनवायरनमेंट की भी सुरक्षा की जा सकेगी। वहीं पर अमेरिका ने भी क्लीन एनर्जी और पर्यावरण को बचाने के लिए काफी अच्छे कदम उठाए हैं, साथ ही अमेरिका अपने देश के अंदर पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए भी काफी कड़े कानूनों का पालन करता है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में साइन हुए चार बड़े MOU न कि केवल दोनों देशों के प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी को बढ़ाएंगे बल्कि इससे पूरे विश्व को फायदा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।